सूर अल फरकान, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। 21। और उन लोगों ने कहा जो हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते कि हमारे पास फरिश्ते क्यों न भेजे गए या हम अपने रब को देख लेते, अलबत्ता उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा समझ लिया है और बहुत बड़ी सरखुशी की है। 22। जिस दिन फरिश्तों को देखेंगे उस दिन मुजरमों के लिए कोई खुशी नहीं होगी और कहेंगे आड़ कर दी जाए। 23। और जो अमल उन्होंने किए थे हम उनकी तरफ मुतवज्जे होंगे फिर उन्हें अड़ती हुई खाक कर देंगे। 24। उस दिन बहुश्तियों का ठिकाना बेहतर होगा और दोपहर की आरामगाह भी इमदा होगी। 25। और जिस दिन आसमान बादल से पट जाएगा और फरिश्ते बक्सरत उतारे जाएंगे। 26। उस दिन हकीकी हुकूमत रहमनाही की होगी और वो दिन काफरों पर बड़ा सख्त होगा। 27। और उस दिन जालिम अपने हाथ काट काट खाएगा, कहेगा काश में भी रसूल के साथ राह चलता। 28। हाय मेरी शामत, काश मैंने फिलहाल को दोस्त न बनाया होता। 29। इसी ने तो नसीहत के आने के बाद मुझे भोका दिया और शैतान तो इंसान को रसवा करने वाला ही है। 30। और रसूल कहेगा ए मेरे रब, बेशक मेरे कौम ने उस कुरान को नजरअंदाज कर रखा था। 31। और हम इसी मुजरमों को हर एक नबी का दुश्मन बनाते रहे हैं और हदायत करने और मदद करने के लिए तेरा रब काफी है। 32। और काफर कहते हैं कि उस पर यकुबारगे कुरान क्यों नाजिल नहीं किया गया, इसी तरह उतारा गया ताकि हम उससे तेरे दिल को अतमीनान दें और हमने इसे ठहर ठहर कर पर सुनाया। 33। और जो अनोखी बात तेरे सामने लाएंगे हम भी तमही उसका बहुत ठीक जवाब उर्बत मदाहिल बताए। 34। जो लोग मुन्हों के बिल घसीट कर जहन में डाली जाएंगे यही बड़े दर्जे वाले हैं और बहुत ही बड़े गमराह हैं। 35। और अलबत्ता तहकीक हमने मूसा को किताब दी और हमने उसके साथ उसके भाई हारून को वजीर बनाया। 36। फिर हमने कहा तुम दोनों उन लोगों की तरफ जाओ जनाओ उन्हें हमारी आयतें झटलाई हैं, फिर हमने उन्हें जड़ से अखाड़ कर फेंक दिया। 37। और नबर की कौम को भी जब इन्होंने रसूलों को झटलाया तो हमने उन्हें गर्क कर दिया और हमने उन्हें लोगों के लिए निशानी बना दिया और हमने जालमों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार किया है। 38। और आद और समूद और कनुई वालों को भी उर्बत से दूर जो उनके दरमियान थे। 39। और हमने हर एक को मुसाली देकर समझाया था और सबको हमने हलाक कर दिया। 40। और ये उस बस्ती पर भी गुजरे हैं जिस पर बड़ी तरह पत्थर बरसाए गए, सो क्या ये लोग इसे देखते नहीं रहते, बल्कि ये लोग मरकर जिंदा होने की उम्मीद ही नहीं रखते। 41। और जब ये लोग तमही देखते हैं तो बस तुमसे मजाक करने लगते हैं, क्या यही है जिसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा। 42। उसने तो हमें हमारे मौबूदों से हटा ही दिया होता अगर हम उन पर कायम न रहते, और उन्हें जल्दी मालूम हो जाएगा जब आजाब देखेंगे कि कौन शख्स गमराह था। 43। क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपना खुदा अपनी ख्वाहिशात नफसानी को बना रखा है, फिर क्या तो उसका जिम्मेदार हो सकता है। 44। या तो ख्याल करता है कि अक्सर उनमें से संते या समझते हैं ये तो महज चौपाइयों की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज्यादा गमराह हैं। 45। क्या तो ने अपने रब की तरफ नहीं देखा कि उसने साया को कैसे फैलाया है, और अगर चाहता तो इसे ठहरा रखता, फिर हमने सूरज को उसका सबब बना दिया है। 46। फिर हम इसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ समेटते हैं। 47। और वही है जिसने तुम्हारे लिए रात को ओढ़ना और नींद को राहत बना दिया और दिन चलने फिरने के लिए बनाया। 48। और ही तो है जो अपनी रहमत से पहले खुशखबरी लाने वाली हवाएं चलाता है और हमने आसमान से पाक पानी नाजल फरमाया। 49। ताकि हम उससे मरे हुए शहर को जिंदा करें और इसे अपनी पैदा की हुई चीजों चारपाइयों और बर्फ से आदमियों को पिलाएं। 50। और हमने इसे लोगों में बांट दिया है ताकि नसीहत हासिल करें, बस बहुत से आदमी नाशकरी किए बगैर न रहे। 51। और अगर हम चाहते तो हर गांव में एक डराने वाला भेज देते। 52। बस काफरों का कहा न मान उसके साथ बड़े जोर से उनका मुकाबला कर। 53। और वही है जिसने दो दरियाओं को आपस में मिला दिया, ये मीठा खुशगवार है और या खारी कड़वा है, और आन दोनों में एक पर्दा और मस्तहिक मार बना दी। 54। और वही है जिसने इंसान को पानी से पैदा किया, फिर असर के लिए रिश्ता नस्ब और दामादी कायम किया, और तेरा रब हर चीज पर कादिर है। 55। और वो अल्लाह के सवा ऐसे को पूछते हैं जो उन्हें न नफा दे सकते हैं न नुकसान पहुंचा सकते हैं, और काफर अपने रब की तरफ पैठ फिरने वाला है। 56।
और हमने तुम्हें महज खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। 57 कह दो मैं उस पर तुमसे कोई मजदूरी नहीं मांगता मगर जो शख्स अपने रब की तरफ रास्ता मालूम करना चाहे। 58 औरत मुझ जिंदा खुदा पर भरोसा रखो जो कभी न मरेगा और उसकी तस्बीह और रहमत करते रहो और वो अपने बंदू के गिनाहों से काफी खबरदार है। 61 जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनमें है 6 दिन में बनाया फिर अर्श पर कायम हवा वो रहमना है पर सस की शान किसी खबरदार से पूछो। 60 और जब उनसे कहा जाता है कि रहमना को सजदा करो तवक्काते हैं रहमना क्या है क्या हम इसे सजदा करें जिसके लिए तो कह दे और उससे उन्हें और ज्यादा नफरत होती है। 61 बड़ा बरकत वाला है वो जिसने आसमान में सितारे बनाए और उसमें चराग और चमकता हवा चांद भी बनाया। 62 और वही है जिसने रात और दिन यज्ञ के बाद दीगरे आने वाले बनाए ये उसके लिए है जो समझना चाहे या शकर करना चाहे। 63 और रहमना के बंदे वो हैं जो जमीन पर दबे पांव चलते हैं और जब उनसे बेसमझ लोग बात करें तो कहते हैं सलाम है। 64 और वो लोग जो अपने रब के सामने सजदा में और खड़े होकर रात गुजारते हैं। 65 और वो लोग जो कहते हैं हमारे रब हमसे दोज़ख का आजाब दूर कर दे बेशक उसका आजाब पूरी तबाही है। 66 बेशक वो बुरा ठिकाना और बड़ी कयामगाह है। 67 औरवा लोग जब खर्च करते हैं तो फजूल खर्ची नहीं करते और न तंगी करते हैं और उनका खर्च उन दोनों के दरमियान इदाल पर होता है। 68 औरवा जो अल्लाह के सवा किसी और मौबूद को नहीं पकारते और उस शख्स को नहक कत्ल नहीं करते जिसे अल्लाह ने हराम कर दिया है और जना नहीं करते और जिस शख्स ने ये किया वो गिना में जा पड़ा। 79 कयामत के दिन इसे दगना आजाब होगा उसमें जलील होकर पड़ा रहेगा। 70 मगर जिसने तोबा की और ईमान लाया और नेक काम किए सो उन्हें अल्लाह बराइयों की जगह भलाइयां बदल देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। 71 और जिसने तोबा की और नेक काम किए तो वो अल्लाह की तरफ रजू करता है बेहतर और जो बेहुदा बातों में शामिल नहीं होते और जब बेहुदा बातों के पास से गुजरी तो शरीफाना तौर से गुजरते हैं। 73 और वो लोग जब उन्हें उनके रब की आयतों से समझाया जाता है तो उन पर बहरे इंधे होकर नहीं डरते। 74 और वो जो कहते हैं कि हमारे रब हमें हमारी बीवियों और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का पेशवा बना दे। 75 यही लोग हैं जिन्हें उनके सबर के बदला में जन्नत के बाला खाने दिए जाएंगे और उनका वहां दा और सलाम से इस्तकबाल किया जाएगा। 76 उसमें हमेशा रहने वाले होंगे ठहरने और रहने की खूब जगह है। 70 कह दो मेरा रब तुम्हारी परवाह नहीं करता अगर तुम इसे न पकारो सो तुम झगड़ा तोच के हो फिर अब तो उसका उबाल पड़कर रहेगा। सूरह अल-शुरा शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। 1 तसम 2 ये रोशन किताब की आयतें हैं। 3 शायद तो अपनी जान हलाक करने वाला है उस लिए कि वो ईमान नहीं लाते। 4 अगर हम चाहें तो उन पर आसमान से ऐसी निशानी नाजल करें कि उसके आगे उनकी गर्दनी झक जाए। 5 और उनके पास रहमना की तरफ से कोई नई बात नसीहत की ऐसी नहीं आई कि वो उससे मुंह न मोड़ लेते। 6 सो ये झटला तो चुके अब उनके पास उस चीज की हकीकत आएगी जिस पर ठठा किया करते थे। 7 क्या वो जमीन को नहीं देखते हमने उसमें हर एक किस्म की कितनी इमदा चीजें उगाई हैं। 8 अलबत्ता उसमें बड़ी निशानी है और उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं। 9 और बेशक तेरा रब जबरदस्त रहम करने वाला है। 10 और जब तेरे रब ने मूसा को पकारा कि उस जालम कौम के पास जा गया रहा फरौन की कौम के पास क्या वो डरते नहीं। 12 अर्ज की है मेरे रब मैं डरता हूँ कि मुझे झटला दे तेरा और मेरा सेना तंग हव जाए और मेरी जुबान न चले बस हारून को पैगाम दे। 14 और मेरे जिम्मा उनका एक गिना भी है सो मैं डरता हूँ कि मुझे मार न डाली। 15 फरमाया हर गुज नहीं तुम दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ हम तुम्हारे साथ सुनने वाले हैं। 16 सो फरौन के पास जाओ और कहो कि हम परवरदगार आलम का पैगाम लेकर आए हैं। 17 ये कि हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दे। 18 कहा क्या हमने तुम्हें बचपन में परवरिश नहीं किया औरतों ने हम में अपनी उम्र के कई साल गुजारे। 19 और तो अपना वो करतूत कर गए जो गिर गया और तो नाशकरों में से है। 20 कहा जब मैंने वो काम किया था तो मैं बेखबर था। 21 फिर मैं तुमसे तुम्हारे डर के मारे भाग गया तब मुझे मेरे रब ने दानाई अता की और मुझे रसूल बनाया। 22
और ये एहसान जो तो मुझ पर रखता है, इसीलिए तो ने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है। 23 फरौन ने कहा, रब अलालमीन क्या चीज है। 24 फरमाया, आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके दरमियान है सबका परवरदगार है, अगर तुम ही यकीन आए। 25 अपने गिर्द वालों से कहा, क्या तुम सुनते नहीं हो। 26 फरमाया, तुम्हारा वर तुम्हारे पहले बाप दादा का रब है। 27 कहा, बेशक तुम्हारा रसूल जो तुम्हारे पास भेजा गया है जरूर दीवाना है। 28 फरमाया, मुशरक मगरिब और जो उनके दरमियान है सबका परवरदगार है, अगर तुम अक्ल रखते हो। 29 कहा, अगर तूने मेरे सवा और कोई मबूद बनाया तो तुम्हें कैद में डाल दूंगा। 30 फरमाया, अगरचा मैं तेरे पास एक रोशन चीज ले आऊं। 31 कहा, अगर तू सच्चा है तो वो चीज ला। 32 फिर उसने अपना सा डाल दिया, सो इसी वक्त वो सिरी हजदा हो गया। 33 और अपना हाथ निकाला, सो इसी वक्त वो देखने वालों को चमकता हवा दिखाई दिया। 34 अपने गिर्द के सिरदारों से कहा कि बेशक ये बड़ा माहिर जादूगर है। 35 चाहता है कि तम ही तुम्हारे दीस से अपने जादू के जोर से निकाल दे, फिर तुम क्या राय देते हो। 36 कहा, इसे और उसके भाई को महल दो और शहरों में चपरासियों को भेज दीजिए। 37 कि तेरे पास बड़े माहिर जादूगरों को ले आई। 38 फिर सब जादूगर एक मकर दिन पर जमा किए गए। 39 और लोगों से कहा गया, क्या तुम भी इकट्ठे होते हो। 40 ताकि अगर जादूगर गालिब आ जाए तो हम इन्हीं की राह पर रही। 41 फिर जब जादूगर आए तो फरौन से कहा, अगर हम गालिब आ गए तो क्या हमें कोई बड़ा अनाम मिलेगा। 42 कहा, हाँ और बेशक तुम उस वक्त मकरबों में दाखिल हो जाओगे। 43 मूसा ने उनसे कहा, डालो जो तुम डालते हो। 44 फिर उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां डाल दी और कहा, फरौन के इकबाल से हमारी फतह है। 45 फिर मूसा ने अपना असा डाला, फिर वो फौरन ही निगलने लगा जो उन्होंने झूठ बनाया था। 46 फिर जादूगर सजदे में गिर पड़े। 47 कहा, हम रब अलालमीन पर ईमान लाए। 48 जो मूसा और हारून का रब है। 49 कहा, क्या तुम मेरी इजाजत से पहले ही ईमान ले आए। बेशक वो तुम्हारा उस्ताद है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है, सो तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा। अलबत्ता मैं तुम्हारा एक तरफ का हाथ और दूसरी तरफ का पांव काट दूंगा और तुम सबको सोली पर चढ़ा दूंगा। 50 कहा, कुछ हर्ज नहीं, बेशक हम अपने रब के पास पहुंचने वाला होंगे। 51 हमें उम्मीद है कि हमारा रब हमारे गुनाहों को माफ कर देगा, इसलिए कि हम सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं। 52 और हमने मौसिया को हुक्म भेजा कि मेरे बंधु को रात को ले नकुल, अलबत्ता तुम्हारा पीछा किया जाएगा। 53 फिर फरौन ने शहरों में चपरासी भेजे। 54 कि ये एक थोड़ी सी जमात है। 55 और उन्होंने हमें बहुत हसा दिलाया है। 56 और बेशक हम सब हथियारबंद हैं। 57 फिर हमने उन्हें बाहों और चश्मों से निकाल बाहर किया। 58 और खजानों और इमदा मकानों से। 61 इसी तरह हवा और हमने उन चीजों का बनी इसराइल को वारस बनाया। 60 फिर सूरज निकलने के वक्त उनके पीछे पड़े। 61 फिर जब दोनों जमातों ने एक दूसरे को देखा तो मूसा के साथियों ने कहा, हम तो पकड़े गए। 62 कहा, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे राह बताएगा। 63 फिर हमने मूसा को हुक्म भेजा कि अपनी लाठी को दरिया पर मार, फिर पट गया, फिर हर टिकड़ा बड़े टेले की तरह हो गया। 64 और हमने उस जगह दूसरों को पहुंचा दिया। 65 ओराम ने मूसा की और जो उसके साथ थे सबको निजात दी। 66 फिर हमने दूसरों को गर्क कर दिया। 67 अलबत्ता उसमें बड़ी निशानी है और उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं। 68 और बेशक तेरा रब जबरदस्त रहम करने वाला है। 79 और उन्हें इब्राहिम की खबर सुना दे। 70 जब अपने बाप और अपनी कौम से कहा, तुम किसको पूछते हो। 71 कहने लगे, हम बतों को पूछते हैं फिर इन्हीं के गिर्द रहा करते हैं। 72 कहा, क्या वो तुम्हारी बात सुनते हैं जब तुम पकारते हो। 73 या तुम ही कुछ नफा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। 74 कहने लगे, बल्कि हमने अपने बाप दादा को ऐसा करते पाया है। 75 कहा, क्या तुम्हें खबर है जिन्हें तुम पूछते हो। 76 तुम और तुम्हारे पहले बाप दादा जिन्हें पूछते थे। 70 सो वो स्वाय रब अलालमीन के मेरे दुश्मन है। 78 जिसने मुझे पैदा किया फिर वही मुझे राह दिखाता है। 79 और वो जो मुझे खिलाता और पलाता है। 80 और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। 81 और वो जो मुझे मारेगा फिर जिंदा करेगा। 82
और वो जो मुझे उम्मीद है कि मेरे गिना कयामत के दिन मुझे बख्श देगा 83। ए मेरे रब, मुझे कमाल इल्म अता फरमा और मुझे नेकियों के साथ शामिल कर 84। और आइंदा आने वाली नस्लों में मेरा जिक्र खैर बाकी रख 85। और मुझे नोंद के बाग के वारसों में कर दे 86। और मेरे बाप को बख्श दे कि वो गमराहों में से था 87। और मुझे जलील न कर जिस दिन लोग उठाए जाएंगे 88। जिस दिन माल और औलाद नफा नहीं देगी 89। मगर जो अल्लाह के पास पाक दिल लेकर आया 90। और परहेजगारों के लिए जन्नत करीब लाई जाएगी 91। और दोस्त सरखुशों के लिए जाहिर की जाएगी 92। और उन्हें कहा जाएगा कहाँ हैं जिन्हें तुम पूछते थे 93। अल्लाह के सवा क्या वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं या बदला ले सकते हैं 94। फिर वो और सब गमराह उसमें ओंधे डाल दिए जाएंगे 95। और शीतान के सारे लश्करों को भी 96। उर्वा वहाँ आपस में झगड़ते हुए कहेंगे 97। अल्लाह की किस्म, बेशक हम सिरी गमराही में थे 98। जब हम तम्ही रब आलमीन के बराबर किया करते थे 99। और हमें उन बदकारों के सवा किसी ने गमराह नहीं किया 100। फिर कोई हमारी सिफारिश करने वाला नहीं 101। और न कोई मुखलिस दोस्त है 102। फिर अगर हमें दोबारा जाना मिले तो हम ईमान वालों में शामिल हुए 103। अलबत्ता उसमें बड़ी निशानी है और उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं 104। और बेशक तेरा रब जबरदस्त रहम करने वाला है 105। नवह की कौम ने पैगंबरों को झटलाया 106। जब उनके भाई नवह ने कहा क्या तुम डरते नहीं 107। मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ 108। बस अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो 109। और मैं तुमसे उस पर कोई मजदूरी नहीं मांगता, मेरी मजदूरी तो बस रब आलमीन के जिम्मा है 110। सो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो 111। उन्होंने कहा क्या हम तज पर ईमान लाए हालांकि तेरे ताबा तव कमीने लोग हुए हैं 112। कहा और मुझे क्या खबर कि वो क्या करते थे 113। उनका हिसाब तो मेरे रब ही के जिम्मा है, काश कि तुम समझते 114। और मैं ईमान वालों को दूर करने वाला नहीं हूँ 115। मैं तो बस खोल कर डराने वाला हूँ 116। कहने लगे ए नवह, अगर तो बाज ना आया तो जरूर संसार किया जाएगा 117। कहा ए मेरे रब, मेरी कौम ने मुझे झुठलाया है 118। बस तो मेरे और उनके दरमियान फैसला ही कर दे और मुझे और जो मेरे साथ ईमान वाले हैं नजात दे 119। फिर हमने इसे और जो उसके साथ भरी कुश्ती में थे बचा लिया 120। फिर हमने उसके बाद बाकी लोगों को गर्क कर दिया 121। अलबत्ता उसमें बड़ी निशानी है और उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं 122। और बेशक तेरा रब जबरदस्त रहम करने वाला है 123। कौमाद ने पैगंबरों को झुठलाया 124। जब उनसे उनके भाई हूद ने कहा कि तुम क्यों नहीं डरते 125। अलबत्ता मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ 126। बस अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो 127। और मैं तुमसे अस पर कोई मजदूरी नहीं मांगता, मेरी मजदूरी तो बस रब आलमीन के जिम्मा है 128। क्या तुम हर ऊंची जमीन पर खेलने के लिए एक निशान बनाते हो 129। और बड़े बड़े महल बनाते हो शायद कि तुम हमेशा रहोगे 130। और जब हाथ डालते हो तो बड़ी सख्ती से पकड़ते हो 131। बस अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो 132। और उससे डरो जिसने तुम्हारी उन चीजों से मदद की है जिन्हें तुम भी जानते हो 133। चारपाइयों और औलाद से 134। और बाघों और चश्मों से तुम्ही मदद दी 135। मैं तुम पर एक बड़े दिन के आजाब से डरता हूँ 136। कहने लगे तो नसीहत कर या न कर, हमारे लिए सब बराबर है 137। ये तो बस पहले लोगों की एक आदत है 138। और हमें आजाब नहीं होगा 139। फिर इन्होंने पैगंबर को झुठलाया, तब हमने उन्हें हलाक कर दिया, अलबत्ता उसमें बड़ी निशानी है और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं 140। और बेशक तेरा रब जबरदस्त रहम करने वाला है 141। कौम समूद ने पैगंबरों को झुठलाया 142। जब उनसे उनके भाई सालह ने कहा क्या तुम डरते नहीं 143। मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ 144। बस अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो 145।
और मैं तुमसे इस पर कोई मजदूरी नहीं मांगता, मेरी मजदूरी तो बस रब अलमीन के जिम्मा है। 146। क्या तुम्हें उन चीजों में यहाँ बेफिक्री से रहने दिया जाएगा। 147। यानी बाहों और चश्मों में। 148। और खेतों और खजूरों में जिनका खुशा मुलायम है। 149। और रत्न पहाड़ों को तराश कर तकलीफ के घर बनाते हो। 150। बस अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो। 151। कुरान हद से निकलने वालों का कहा मत मानो। 152। जो जमीन में फसाद करते हैं और असलाह नहीं करते। 153। कहने लगे तुम पर तो किसी ने जादू किया है। 154। तब भी हम जैसा एक आदमी है सो कोई निशानी ले आ अगर तो सचा है। 155। कहा ये ऊंटनी है इसके पीने का एक दिन है और यह दिन मुअन तुम्हारे पीने के लिए है। 156। और इसे बराई से हाथ न लगाना वरना तुम्ही बड़े दिन का आजाबा पकड़ेगा। 157। सो उन्होंने उसके पांव काट डाले फिर पशिमान हुए। 158। फिर उन्हें आजाब ने आ पकड़ा अलबत्ता उसमें बड़ी निशानी है और उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं। 169। और बेशक तेरा रब जबरदस्त रहम करने वाला है। 160। लूट की कौम ने पैगंबरों को झुठलाया। 161। जब उन्हें उनके भाई लूट ने कहा क्या तुम डरते नहीं। 162। मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ। 163। बस अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो। 164। और मैं तुमसे उस पर कोई मजदूरी नहीं मांगता, मेरी मजदूरी तो बस अल्लाह रब अलमीन के जिम्मा है। 165। क्या तुम दुनिया के लोगों में लड़कों पर गरे पड़ते हो। 166। और तुम्हारे रब ने जो तुम्हारे लिए बीवियां पैदा कर दी हैं उन्हें छोड़ देते हो बल्कि तुम हद से गुजरने वाले लोग हो। 167। कहने लगे ए लूट अगर तो उन बातों से बाज न आया तो जरूर तो निकाल दिया जाएगा। 168। कहा मैं तो तुम्हारे काम से सख्त बेजार हूँ। 169। ए मेरे रब मुझे और मेरे घर वालों को उसके उबाल से नजात दे जो वो करते हैं। 170। फिर हमने इसे और उसके सारे कनबे को बचा लिया। 171। मगर एक बढ़िया जो पीछे रह गई थी। 172। फिर हमने और सबको हलाक कर दिया। 173। और हमने उन पर मीना बरसाया फिर डराए हूँ पर बुरा मीना बरसाए। 174। अलबत्ता उसमें बड़ी निशानी है और उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं। 175। और बेशक तेरा रब जबरदस्त रहम करने वाला है। 176। बन वालों ने भी प्यांबरों को झुठलाया। 170। जब उनसे शुएब ने कहा क्या तुम डरते नहीं। 178। मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ। 179। बस अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो। 180। और मैं तुमसे उस पर कोई मजदूरी नहीं मांगता, मेरी मजदूरी तो बस रब अलआलमीन के जिम्मा है। 181। पीमाना पूरा दो और नुकसान देने वाले न बनो। 182। और सही तराजों से तोला करो। 183। और लोगों को उनकी चीजें कम करके न दो और मुल्क में फसाद मचाते न फरो। 184। और उससे डरो जिसने तम्ही और पहली खलकत को बनाया। 185। कहने लगे कि तुम पर तो किसी ने जादू कर दिया। 186। औरतों भी हम जैसा एक आदमी है और हमारे ख्याल में तो झूठा है। 187। सो हम पर आसमान का कोई टिकड़ा गरा दे अगर तो सचा है। 188। कहा मेरा रब खूब जानता है जो कुछ तुम करते हो। 189। फिर इसे झटलाया फिर उन्हें साइबान वाले दिन के आजाब ने पकड़ लिया। बेशक वो बड़े दिन का आजाब था। 190। अलबत्ता उसमें बड़ी निशानी है और उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं। 191। और बेशक तेरा रब जबरदस्त रहम करने वाला है। 192। और ये कुरान रब अलआलमीन का उतारा हवा है। 193। इसे अमानतदार फरिश्ता लेकर आया है। 194। तेरे दिल पर ताके तो डराने वालों में से हो। 195। साफ अरबी जुबान में। 196। और अलबत्ता उसकी खबर पहलों की किताबों में भी है। 197। क्या उनके लिए निशानी काफी नहीं कि इसे बनी इसराइल के इल्मा भी जानते हैं। 198। और अगर हम इसे किसी अजमी पर नाजल करते। 199। फिर वो इसे उनके सामने पढ़ता तो भी ईमान न लाते। 200। इसी तरह हमने उस इनकार को गुनाहगारों के दिल में डाल रखा है। 201। वो दर्दनाक आजाब देखे बगैर उस पर ईमान नहीं लाएंगे। 202। फिर वो उन पर अचानक आएगा और उन्हें खबर भी न होगी। 203।
फिर कहेंगे क्या हमें मदद मिल सकती है 204, क्या हमारे आजाब को जल्द चाहते हैं 205, भला देख अगर हम उन्हें चंद साल फायदा उठाने दें 206, फिर उनके पास वो आजाब आए जिसका वादा दिए जाते हैं 207, तो जो उन्होंने फायदा उठाया है क्या उनके कुछ काम भी आएगा 208, और हमने ऐसी कोई बस्ती हलाक नहीं की जिसके लिए डराने वाले न आए हूँ 209, नसीह देने के लिए और हम जालम नहीं थे 210, और कुरान को शैतान लेकर नहीं नाजल हुए 211, और न ये उनका काम है और न वो इसे कर सकते हैं 212, वो तो सुनने की जगह से भी दूर कर दिए गए हैं 213, सो अल्लाह के साथ किसी और मोबूद को न पकार वरना तो भी आजाब में मुबतला हो जाएगा 214, और अपने करीब के रिश्तेदारों को डरा 215, और जो ईमान लाने वाले तेरे साथ हैं उनके लिए अपना बाजू झकाए रख 216, फिर अगर तेरी नाफरमानी करें तो कह दे मैं तुम्हारे काम से बेजार हूँ 217, और जबरदस्त रहम वाले पर भरोसा कर 218, जो तुझे देखता है जब तो उठता है 219, और नमाजियों में तेरी निशिस्त वो बर्खास्त देखता है 220, बेशक वो सुनने वाला जानने वाला है 221, क्या मैं तुम्हें बताऊं शैतान किस पर उतरते हैं 222, हर झूठे गुनाहगार पर उतरते हैं 223, वो सुनी हुई बातें पहचाते हैं और अक्सर उनमें से झूठे होते हैं 224, और शायरों की पैरवी तो गमराह ही करते हैं 225, क्या तुमने नहीं देखा का वो हर मैदान में भुटकते फरते हैं 226, और जो वो कहते हैं करते नहीं 227, मगर वह जो ईमान लाए और नेक काम किए और अल्लाह को बात याद किया और मुजलूम होने के बाद बदला लिया, और जालमों को अभी मालूम हो जाएगा कि किस करवट पर पड़ते हैं। सूरह अल-मुल्क, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। 1. तस ये आयतें कुरान की और किताब रोशन की हैं। 2. ईमान दावरों के लिए हदायत और खुशखबरी है। 3. जो नमाज अदा करते हैं और ज़कवा देते हैं और वो आखरत पर यकीन रखते हैं। 4. अलबत्ता जो लोग आखरत पर ईमान नहीं रखते हमने उनके ऐमाल उनके लिए अच्छे कर दिखाए हैं बस वो सरगर्दम फिरते हैं। 5. वही हैं जिन्हें बुरा आजाब होना है और वो आखरत में बड़े ही खसारा में होंगे। 6. और तुझे बड़े हिकमत वाले इल्म वाले की तरफ से कुरान दिया जा रहा है। 7. जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने आग देखी है, मैं अभी वहां से तुम्हारे पास कोई खबर लाता हूं या कोई अंगारा सलगा कर लाता हूं ताकि तुम सिन को। 8. फिर जब मूसा वहां आए तो आवाज आई कि जो आग में और उसके पास है वो बाबरकत है और अल्लाह पाक है जो तमाम जहान का रब है। 9. ए मूसा वो मैं अल्लाह हूँ जबरदस्त हिकमत वाला। 10. और अपनी लाठी डाल दे, फिर जब इसे देखा कि वो सांप की तरह चल रही है तो पैठ फिर कर भागा और पीछे मुड़ कर न देखा। ए मूसा डरो मत क्योंकि मेरे हुजूर में रसूल डरा नहीं करते। 11. मगर जिसने जुल्म किया फिर बराई के बाद इसे नेकी से बदल दिया हो तो मैं बख्शने वाला मेहरबान हूँ। 12. और अपना हाथ अपने गरीबान में डाल दे, वो सफेद बेईब निकलेगा। ये दोनों मिलाकर 9 निशानियां फरौन और उसकी कौम की तरफ ले कर जा क्योंकि वो बदकार लोग हैं। 13. फिर जब उनके पास आंखें खोलने वाली हमारी निशानियां आईं तो कहने लगे ये तो साफ जादू है। 14. और उन्होंने इनका जुल्म और तकबर से इनकार कर दिया हालांकि उनके दिल यकीन कर चुके थे। फिर देख मफसदू का अंजाम कैसा हवा। 15. और हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म दिया और कहने लगे अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें बहुत से ईमानदार बंदों पर फजीलत दी। 16. और सुलेमान दाऊद का वारस हवा और कहा ए लोगों हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है और हमें हर किस्म के साजो सामान दिए गए हैं बेशक ये सिर्फ फजीलत है। 17. और सुलेमान के पास उसके लश्कर जिन और इंसान और परिंदे जमा किए जाते फिर इनकी जमातें बनाई जाते। 18. यहाँ तक कि जब चींटियों के मैदान पर पहुंचे एक चींटी ने कहा चींटी वो अपने घरों में घस जाओ तभी सुलेमान और उसकी फौजी न पैस डाली और उन्हें खबर भी न हो। 19. फिर उसकी बात से मुस्कुरा कर हंस पड़ा और कहा मेरे रब मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे एहसान का शुक्र करूं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किया और ये कि मैं नेक काम करूं जो तू पसंद करे और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंधु में शामिल कर ले। 20. और परिंदों की हाजिरी ली तो कहा क्या बात है जो मैं हुदहुद को नहीं देखता क्या वो गैर हाजिर है। 21. मैं इसे सख्त सजा दूंगा या इसे जबर कर दूंगा या वो मेरे पास कोई साफ दलील बयान करे। 22.
फिर थोड़ी देर के बाद हुदहुद हाजिर हवा और कहा कि मैं हुजूर के पास वो खबर लाया हूँ जो हुजूर को मालूम नहीं और सुबह से आपके पास एक यकीनी खबर लाया हूँ। 23 मैंने एक औरत को पाया जो उन पर बादशाही करती है और इसे हर चीज दी गई है और उसका बड़ा तख्त है। 24 मैंने पाया कि वो और उसकी कौम अल्लाह के सवा सूरज को सजदा करते हैं और शैतान ने उनके ऐमाल को उन्हें आरिस्ता कर दिखाया है और उन्हें रास्ता से रोक दिया है सो वो राह पर नहीं चलते। 25 अल्लाह ही को क्यों न सजदा करें जो आसमानों और जमीन की छपी हुई चीजों को जाहिर करता है और जो तुम छपाते हो और जो जाहिर करते हो सबको जानता है। 26 अल्लाह ही ऐसा है का उसके सिवा कोई मौबूद नहीं है उर्वा अर्श अज़ीम का मालिक है। 27 कहा हम अभी देख लेते हैं कि तो सच कहता है या झूठों में से है। 28 मेरा ये खत ले जा और उनकी तरफ डाल दे फिर उनके हाथ से वापस आ जा फिर देख वो क्या जवाब देते हैं। 29 कहने लगी ए दरबार वालों मेरे पास एक माजस खत डाला गया है। 30 वो खत सुलेमान की तरफ से है और वो ये है अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बेहद मेहरबान नहायत रहम वाला है। 31 मेरे सामने तकबर न करो और मेरे पास मती होकर चली आओ। 32 कहने लगी ए दरबार वालों मुझे मेरे काम में मुशवरा दो मैं कोई बात तुम्हारे हाजिर हुए बगैर तय नहीं करती। 33 कहने लगे हम बड़े ताकतवर और बड़े लड़ने वाले हैं और काम तेरे अख्तियार में है सो देख ले जो हुक्म देना है। 34 कहने लगी बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं इसे खराब कर देते हैं और वहां के सिरदारों को बेइज्जत करते हैं और ऐसा ही करेंगे। 35 और मैं उनकी तरफ कुछ तोहफा भेजती हूँ फिर देखती हूँ कि एलची किया जवाब लेकर आते हैं। 36 फिर जब सुलेमान के पास आया फरमाया क्या तुम मेरी माल से मदद करना चाहते हो सो जो कुछ मुझे अल्लाह ने दिया है उससे बेहतर है जो तुम्हें दिया है बल्कि तुम ही अपने तोहफा से खुश रहो। 37 उनकी तरफ वापस जाओ हम उन पर ऐसे लश्कर लेकर पहुंचेंगे जिनका वो मुकाबला न कर सकेंगे और हम उन्हें वहां से जलील करके निकाल देंगे। 38 कहा ए दरबार वालों तुम में कोई है कि मेरे पास उसका तख्त ले आए उससे पहले कि वो मेरे पास फरमाबरदार होकर आई। या 39 जनों में से एक देव ने कहा मैं तुम्हें वो ला देता हूँ उससे पहले कि तो अपनी जगह से उठे और मैं उसके लिए ताकतवर अमानतदार हूँ। 40 उस शख्स ने कहा जिसके पास किताब का इल्म था मैं इसे तेरी आंख झपकने से पहले ला देता हूँ फिर जब इसे अपने रूबरू रखा देखा तो कहने लगा ये मेरे रब का एक फजिल है ताकि मेरी आजमाइश करे क्या मैं शकर करता हूँ या नाशकरी और जो शख्स शकर करता है अपने ही नफा के लिए शकर करता है और जो नाशकरी करता है तो मेरा रब भी बेपरवाह इज्जत वाला है। 41 कहा उसके लिए उसके तख्त की सूरत बदल दो हम देखें क्या इसे पत्ता लगता है या उन्हीं में होती है जिन्हें पत्ता नहीं लगता। 42 फिर जब आई कहा गया क्या तेरा तख्त ऐसा ही है कहने लगी गुया का ये वही है और हमें तो पहले ही मालूम हो गया था और हम फरमाबरदार हो चुके हैं। 43 और इसे उन चीजों से रोक दिया जिन्हें अल्लाह के सिवा पूजती थी बेशक वो काफिरों में से थी। 44 इसे कहा गया उस महल में दाखिल हो फिर जब इसे देखा ख्याल किया कि वो गहरा पानी है और अपनी पंडलियां खोली कहा ये तो ऐसा महल है जिसमें शीशे जड़े हुए हैं कहने लगी ए मेरे रब मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया था और मैं सुलेमान के साथ अल्लाह की फरमाबरदार हुई जो सारे जहां का रब है। 45 और हमने समूद की तरफ उनके भाई साल को भेजा का अल्लाह की बंदगी करो फिर वो दो फरीक होकर आपस में झगड़ने लगे। 46 कहा है मेरी कौम भलाई से पहले बराई को क्यों जल्दी मांगते हो अल्लाह से गिना क्यों नहीं बख्शवाते ताकि तुम पर रहम किया जाए। 47 कहने लगे हमें तो तज से और तेरे साथियों से नहुसत मालूम हुई कहा तुम्हारी नहुसत अल्लाह की तरफ से है बल्कि तुम लोग आजमाइश में डाले गए हो। 48 और उस शहर में 9 आदमी ऐसे थे जो जमीन में फसाद करते थे और असलाह नहीं करते थे। 49 कहने लगे आपस में अल्लाह की कसम खाओ के साल और उसके घर वालों पर शुभ मारे फिर उसके वार से कह दे हम तो उसके कनबा की हलाकत के वक्त मौजूद ही न थे और बेशक हम सच्चे हैं। 50 और उन्होंने एक दाव किया और हमने भी ऐसा दाव किया कि उन्हें खबर भी न हुई। 51 फिर देखो उनके दाव का क्या अंजाम हुआ कि हमने उन्हें उरान की सारी कौम को हलाक कर दिया। 52 सो ये उनके घर हैं जो उनके जुल्म के सबब से वीरान पड़े हैं बेशक उसमें दानिशमंदों के लिए अबरत है। 53 और हमने ईमान और तक्वा वालों को नजात दी। 54
ओरलोट को जब उसने अपनी कौम को कहा, क्या तुम बेहियाई करते हो, हालांकि तुम समझदार हो बचपन। क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों पर ख्वाहिश करके आते हो, बल्कि तुम लोग जाहल हो छप्पन। फिर उसकी कौम का और कोई जवाब न था सिवाय असके कि ये कहा, लोट के घर वालों को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग बड़े पाक बनते हैं। 57। फिर हमने लोट और उसके घर वालों को सिवाय उसकी बीवी के बचा लिया, हम उसको पीछे रहने वालों में ठहरा चुके थे। 58। ओराम ने उन पर मीना बरसाया, फिर डराए हूँ का मीना बुरा था। 61। कह दे सब तारीफ अल्लाह के लिए है और उसके बर्गजीदा बंदू पर सलाम है, भला अल्लाह बेहतर है या जिन्हें वो शरीक बनाते हैं।